सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी भी देख लें कि क्या है। एक स्टोरी की साइड पढ़कर सारी बातें ना करें, लेकिन मुझे दुख ये होता है कि जब कभी मैं पढ़ता हूँ कि फला अलग हो गई तो उसने तो बड़ी तरक्की कर ली और उसको देखो खुद सिंगल पेरेंट बनकर क्या कर रही है, उसने बच्चों को पढ़ाया। बच्चों को मैंने पढ़ाया, पढ़ा रहा हूँ। 8 करोड़ का घर है जिसमें वो रहती है और बच्चे भी रहते हैं। वो घर मेरा दिया, एक घर मैंने उनको खुद लेकर दिया, जो मेरा पहला घर था वो मैंने उनके नाम कर दिया। 2 करोड़ रुपए का जिसका किराया आता है वो लेती। सही है। दुबई में मैंने उनको BMW नई गाड़ी दिलाई थी, वो बेचकर उन्होंने उसके पैसे भी रखे हैं। उसके अलावा जो है वो अब तक यानी 2 महीने पहले तक तलाक का खुद उन्होंने ऐलान किया। तलाक के बाद भी मैं खराजात दे रहा था घर के जो उस महीने के थे। इसी तरह से मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। पहली बीवी बात, ये बच्चे आज जितने बड़े हुए हैं 5 मरतबा डिजनीलैंड जा चुके हैं, 5 हज कर चुके हैं। पहली बीवी मेरी 5 हज कर चुकी है। कितने? 5। कितने? 5। ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने कहा 7। और इनकी वालिदा जो थी, उनके इनके वालिद का सान इरतहाल हुआ था, तो उसके बाद उनकी तदफीन मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी में की, जो मैंने अपनी जगह रखी थी उनके वालिद को दे दी। दूसरी बात ये वो जगह दे दी। और एक और बात बता दू, शायद वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, वो इंपॉर्टेंट है। आज तो अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार है, कोई मजाक नहीं है, जहाँ उनकी जगह है। सबसे जकिया के बेटे थे और ताबई बुजुर्ग है। लोग समझते नहीं अब्दुल्ला शाह गाजी कौन है, बहुत बड़े इमाम हसन की हसन हसनी हुसैन और आज है ना, ताबई है जिसे साहबी को देखा। अच्छा अच्छा, जिसे साहबी को देखा तो उधर दिया। और आपको पता है इनकी वालिद को गुस्ल हमने कैसे दिया था? मैं खाने काबा के गुस्ल में गया था, उसका जो पानी था उसके पानी से दिया उसने। खाने काबा को जो धोया था उसके पानी से उसे दिया, तो वो पानी भी रहा था। बुशरा जब ने शादी जब हुई थी तो वो BCOM की हुई थी, उन्हें MA करना था यानी MCOM करना था, तो अहमद को मैं संभालता था और MCOM वो करने जाती। इसी तरह लॉ उन्होंने मेरी वजह से पढ़ा। अहमद कितनी एज है बच्चे की? अहमद उस वक्त था 6 महीने का। अब कितना? अब जो अहमद माशाल्लाह अच्छा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, 2.5 साल का है। लेकिन ये अब आप आगे चलेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो इस्लामिक स्टडीज में PhD किया है। एडमिशन मैंने दिलाया था, हिम्मत मैंने दिलाई थी, पढ़ाया मैंने था इस्लामिक इस्लामिक की चीज़ें मुझको खैर वो बहुत जहीन है माशाल्लाह, बहुत उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन आज मेरा कहानी में कहीं जिक्र नहीं होता, तो कहानी में कभी भी मेहमान का जिक्र नहीं होता, मजदूर में जिक्र नहीं होता। तो आपको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, करती हमेशा, तो मैं चुप रहता हूँ। दूसरी बीवी ने मुझे मौका ये नहीं दिया कि मैं उनके घर उनके नाम कर देता, वो चली गई फौरन। लेकिन ये कि उनके पास मैंने उनको 65 लाख की बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी उनके पास ही, और जो कुछ भी था जो मेरे पास इस जमाने में था, मैंने एक बड़ा सा TV लिया था 100 इंच का, वो उनको दे दिया। जो कुछ दे सकता था वो दे दिया। जहेज पर मैं फाइल नहीं, घर उनको मैं देने वाला था, मैं कि घर उनका होता। इसी तरह तूबा आज स्टार बनी कोई एहसान किसी पे नहीं किया, इन दोनों पर मैंने कोई एहसान नहीं किया, इन दोनों पर मेरा कोई एहसान नहीं है।